नहीं की जाती है। अब इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीकॉर्डियम में आप इधर बैठें और ऐसे करें, क्योंकि आप कोई पल्सेस देखना चाह रहे हैं, लाइक से एपिक्स बीट जो है कुछ आपको विजिबल पल्स तो नहीं नज़र आ रही है ना, तो कहाँ देख रहा हूँ मैं इधर देख रहा हूँ नॉर्मल साइड पे, नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे एंगल के साथ देख रहा हूँ, देखो मुझे पल्सेस तो नहीं, मैं बैठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ट्राइकस्पिड एरिया में, या मैं देख रहा हूँ कोई एओर्टिक एरिया या पल्मरी एरिया में कोई ऐसी विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई स्कार तो नहीं है, साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये सिमेट्री है, लेकिन सिमेट्री के लिए क्या है ना, वो मुझे थोड़ा सा ना फुट एंड के ऊपर आना पड़ेगा, वहाँ से मुझे सिमेट्री नहीं मिल पाएगी, मैं इधर जाऊँगा फुट एंड पे, मैं देखूँगा कि चेस्ट जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, फिर मैं उसे कहूँगा लंबा सांस ले, देखूँगा कि ये इक्वली मूव कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। और रिमेंबर नेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई पल्सेशन तो नहीं, हो सकता है ये आर्टीरियल या वीनस पल्सेशन हो, JVP हो या आर्टीरियल पल्सेशन ना हो, और एपिगेस्टियम इज ऑल्सो मैंने देखा है, क्योंकि एपिगेस्टियम के अंदर भी पल्सेशन हो सकती है, स्पेशली अगर राइट हार्ट फेलियर होगा, कंजेस्टिव एपिटोमेगली होगी तो यहाँ पे पल्सेशन आ जाएंगे, अगर एब्डोमिनल एओर्टा एनोरिज्म हो जाएगा तो यहाँ यू कैन हैव अ पल्सेशन, उस तरह एंग्जाइटी और थिन लीन पीपल के अंदर भी एपिगेस्टिक पल्सेशन आ सकती हैं। तो इंस्पेक्शन के अंदर मैंने खासतौर पर एपिक्स भी कहीं और कोई पल्सेशन तो नहीं है, एओर्टिक एरिया पल्मोनरी एरिया नेक इधर चलेंगे, लंबा सांस लें और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कोई स्कार नहीं है, कोई टैप मार्क नहीं है, कोई चेस्ट ट्यूब वगैरह नहीं पड़ी हुई कोई, तो मैं डिस्क्राइब करूँगा द प्रीकॉर्डियम जो है इज नॉर्मल इन शेप, राइट, and there is no visible pulsation or a scar mark, and there are no pulsation in the neck and the epigastric area. तो ये सब normal जो है ना आपकी precordium होगी basically. यही ये language body language ये करे. पूरा perform. जी हाँ जो मैंने किया.